CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। सबक असगर गोंडवी। तारुफ़े शायर असगर गोंडवी। पैदाइश 1884, वफात 1936। असगर हुसैन नाम और असगर तखल्लुस था। असल वतन गोरखपुर था, लेकिन आपके वालिद जो कानून गो थे, मुलाजमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे, इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हो गए। असगर एक परहेजगार इंसान थे, मगर उनके मिजाज में रंगीनी और शगुफ्तगी भी थी। तबीयत तसव्वुफ की तरफ मायल थी। अलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले में एक मुद्दत तक कायम रहा और एकेडमी के सहमाही रिसाले हिंदुस्तानी के एडिटर रहे। असगर कम गो शायर थे। उनके कलाम के सिर्फ दो छोटे छोटे मजमूए सरोदे जिंदगी और निशाते रूह शाया हुए। उनके मुनफरिद रंग की इब्तिदा निशाते रूह से होती है। ज़बानो बयान और ख्यालात दोनों एतबार से उनका कलाम बहुत साफ सुथरा है। उनके लबो लहजे में एक ख़ास संजीदगी, इसी के साथ साथ सरशारी की कैफियत, ज़बानो बयान में एक आलिमाना वक़ार और ख्यालात में पाकीज़गी पाई जाती है। तसव्वुफ़ और मार्फत के मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज़्म करते हैं। अब पेश है असगर गोंडवी की एक गजल। आलामे रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अजदहाम ने हैरान बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ऐ शेख वो बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ कैद और रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। वो शोरिशें निजाम जहां जिनके दम से है, जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। हम उस निगाह नाज को समझे थे नेशतर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जां बना दिया। असगर गोंडवी, सफा 121। मश्क। लफ्जो मानी। आला में रोजगार। अलम की जमा दुनिया के गम। गमे जाना महबूब का गम। अजदहाम या अजदहाम हुजूम भीड़। लबकुशा मुंह खुला हुआ। बसीत फैला हुआ कुशादा। शोरिशें शोरिश की जमा हंगामा बदमनी अफरा तफरी। नेश्तर या नीश्तर या नेश्तर चीरा लगाने वाला चाकू नश्तर। गौर करने की बात। लफ्ज अजदहाम को अजदहाम लिखने का रिवाज आम हो गया है। ये लफ्ज दोनों तरह दुरुस्त समझा जाता है। मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। नंबर एक, आलामे रोजगार को शायर ने अपने लिए किस तरह आसा बनाया है वाजे कीजिए। नंबर दो, कामयाब दीद और महरूम दीद की वजाहत कीजिए। नंबर तीन, जलवों के इज्तहाम से शायर की क्या मुराद है। नंबर चार, शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को किस चीज से तशबीह दी है। सफा 122। अमली काम। नंबर एक, आगे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
بسیط، شورش، مختصر، گلستان۔ نمبر دو، اپنے استاد سے دریافت کر کے چند ایسے شعر لکھیے جس میں انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT نئی دلی، بھارت۔